हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में पृष्ठों पर अपवर्तन किस प्रकार से होता है, और उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। ये जो फार्मूला है, आप इसको बहुत आसानी से फाइंड करना सीख जाएंगे। जो इसका डेरिवेशन है वो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग फार्मूले को डेरिवेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक फिगर बनाएंगे, उसके बारे में कुछ लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट होगा अपना डेरिवेशन। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना हमारे पास कोई अवतल पृष्ठ है जिसका द्वारक M1 और M2 है। मान लीजिए कि हमारे पास एक अवतल पृष्ठ है जिसका द्वारक क्या है, M1 और M2। साथ में आप लोग लिखते हुए चलेंगे, फिगर बनाने का टाइम आपको दिया जाएगा। माना एक अवतल पृष्ठ है जिसका द्वारक M1 और M2 है तथा अवतल पृष्ठ का ध्रुव P है। इस अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र यहाँ पर R दिया गया है, और उसके बाद यहाँ से एक वस्तु रखी गई है जिसको हम लोग O नाम देते हैं। देखिए, जो वक्रता केंद्र है यहाँ पर, इस पृष्ठ का केंद्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, और केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को R बोला जाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, यहां से यहां तक की दूरी R होगी और ये हो जाएगा अपना C। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं तो दो किरणों को कहीं से भी भेजते हैं। तो मान लीजिए हमने पहले किरण को कुछ इस प्रकार से भेजा कि जो किरण है वो जाती है इस पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर जाने के बाद अब क्या होगा, तो यहाँ माध्यम परिवर्तन हो रहा है। आप लोग ध्यान देंगे, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर इसका बनाएंगे एक, इस केंद्र से लेकर इस बिंदु को हम लोग जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा अभिलंब, क्योंकि ये गोला है तो, और गोले का जो केंद्र होता है उसी को अभिलंब काटेगा टारगेट करते हुए। तो ये बन गया अभिलंब हो गया, इसको आप लिख सकते हैं अभिलंब। ध्यान देते रहिएगा, माना M1 M2 एक दर्पण का द्वारक केंद्र यानी कि पृष्ठ का द्वारक है, और सी क्या है यहां पर, तो सी है वक्रता केंद्र और पी है ध्रुव। ओ वस्तु रखी गई है, ओ सो एक किरण को हम लोग डालेंगे पृष्ठ पर। तो आप लोग जानते हैं ये जो कोण बनेगा इसे कोण आई नाम देंगे, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और यदि कोई इस किरण को डिस्टर्ब ना करता तो ये किरण कुछ इस प्रकार से सीधा निकल जाती। लेकिन आप लोग पढ़े हैं कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये किरण ऐसे ना जाकर बल्कि इस प्रकार से कुछ निकलेगी। दूसरी किरण हम लोग भेज देते हैं इस तरफ, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह या तो अपने मार्ग में, यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो अपने मार्ग में सीधा निकल जाएगी, और जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगी तो हम इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, और जहां पर ये किरण काट देगी वही उसका प्रतिबिंब होगा। जहां पर ये किरण इस वाली किरण को काट देगी वही उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, इस पूरे कोण को कोण आई कहेंगे, और ये जो कोण है यानी कि ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कोण आर कहते हैं। इतना आप सबके समझ में आया,
और हम लोग इसे मान लेते हैं यम, और यहां से एक अभिलंब बनाते हैं जिसे मानेंगे यन। साथ में आपको मानना है कि दर्पण का द्वारक M1 और M2 बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु यन बिंदु पी के बहुत समीप होगा, तथा आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर भी बहुत छोटे होंगे। तो हम लोग यहाँ जहां पर आवश्यकता होगी हम लोग इसको लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर, और याद रखिएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, और टेन गामा इज इक्वल टू गामा। दोनों में परिवर्तन कर लेंगे क्योंकि ये सभी कोण बहुत छोटे हैं, इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार गामा के स्थान पर टेन गामा रख सकते हैं, आई के स्थान पर साइन आई, और आर के स्थान पर साइन आर, या फिर यहाँ पर साइन आर के स्थान पर आर रखेंगे। अब हम लोग देखिए कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार पुनः ध्यान दीजिए, हमें क्या क्या मानना है। माना M1 M2 ये दैक पृष्ठ का द्वारक है, तथा P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, ऊपर वस्तु रखी है। एक किरण को O से हम लोग पृष्ठ पर भेजते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर यानी कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर भेजते हैं जो अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जब ये किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगी तो हम लोग इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पर किरणें एक दूसरे से मिल जाएंगी वही उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और अब चलिए हम लोग यहाँ पर ये आपको बताया गया कि कोण आई और कोण आर बहुत छोटे हैं तथा दर्पण का द्वारक भी बहुत छोटा है, इसलिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार साइन आई को आई, साइन आर को आर, अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चलिए त्रिभुजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज जो ले रहे हैं, सबसे पहले जो त्रिभुज ले रहे हैं वो देखिए ओ एम और सी है अपने पास। और एक चीज और हम लोग मान लेते हैं कि ये अपना अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है गामा है। गामा इस बार हम लोग आर ये वाला बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आर और गामा में डिफरेंस आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओ एम और सी त्रिभुज। ओ एम सी में त्रिभुज किस प्रकार से है ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार त्रिभुज बना देते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ पर लिखा गया है अल्फा, यहाँ पर है अल्फा, यहाँ है आई, और यहाँ पर क्या है आर है। तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला कोण जोड़ देंगे तो इस कोण के बराबर आ जाएगा। अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, और हमें आई चाहिए तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर एक। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज पुनः लेंगे, त्रिभुज आई एम सी। आई एम सी में पुनः हमें देखिए कुछ इसी प्रकार से प्राप्त हुआ है, कुछ इसी प्रकार से। तो यहाँ पर बीटा है और यहाँ क्या है आर है, यहाँ पर है गामा, बीटा है आर है और गामा है, देखिए बीटा आर और गामा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, आर बराबर यहाँ हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो समीकरण हमारे पास हो गए। अब आप लोग यहाँ लगाएंगे स्नेल का नियम, तो नीचे आपको आई थिंक दिख रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, नियम क्या है, वन एन टू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। वन एन टू को हम लोग लिखते हैं एन टू अपान एन वन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। साइन आई बराबर हम लोग मानेंगे आई यहां से, और साइन आर बराबर आर, तो एन वन एन टू अपान एन वन इज इक्वल टू आई अपान आर, और आई के स्थान पर इस बार हम लोग क्या रखेंगे, तो आई के स्थान पर आपने प्राप्त किया है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बटे गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन टू
गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू एन वन गामा माइनस अल्फा, ये बन गया समीकरण नंबर तीन। तो तीन समीकरण आप सबको आई थिंक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब इस समीकरण को आप लोग नोट करके रखेंगे, इसकी आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है लास्ट में। अब हम लोग इन त्रिभुजों से पुनः त्रिभुजों से ज्ञात करेंगे अल्फा बीटा और गामा। इस बार हम लोग लेते हैं त्रिभुज ओ एम और साथ ही साथ एन, ओ एम एन में निकालेंगे क्या टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ एन बराबर पी, अपनी आवश्यकता के अनुसार मान सकते हैं तो एम एन आएगा, लेकिन एन बराबर पी है तो करते हैं डायरेक्ट एम पी अपान, और ओ से लेकर यहाँ पी तक की दूरी कितनी है तो पी तक की दूरी है माइनस यू, इसलिए यहाँ रखेंगे माइनस यू। अब पुनः हम लोग एक त्रिभुज और लेते हैं आई एम सी, आई एम और पी में एन बराबर पी है तो यहां से मान लेंगे एन बराबर पी है तो एन के स्थान पर पी। इस बार त्रिभुज आई एम और पी में यहां भी एन बराबर पी है इसलिए एन के स्थान पर पी रख दिए। अब निकालेंगे यहां पर टेन बीटा बराबर एम पी अपान, देखिए आई से लेकर पी तक की दूरी माइनस बी है तो यहां हो जाएगा माइनस बी। और तीसरा हम लोग निकालते हैं इस बार त्रिभुज सी एम पी में, सी एम पी में टेन गामा इज इक्वल टू एम पी अपान सी से लेकर पी तक की दूरी है माइनस आर, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है माइनस आर, ये हो गया। अब हमें प्राप्त हो गए टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा। आपने यहाँ पर लिखा है कि टेन अल्फा को अल्फा मानेंगे, टेन बीटा को बीटा और टेन गामा को गामा मानेंगे। तब हम लोग आ जाते हैं समीकरण नंबर तीन में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर। आई थिंक आप सबको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर तीन में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर। समीकरण तीन में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर, मान रखने पर अब हम लोग मान रखेंगे तो सबसे पहले लिखा है एन टू, अब हम रखते हैं यहां पर सबसे पहले गामा का मान। ब्लैक वाले से हम लोग मान रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा गामा का मान कितना है एम पी अपान माइनस आर, एम पी अपान माइनस आर माइनस बीटा का मान कितना है तो एम पी अपान माइनस वी, एम पी अपान माइनस वी। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये हो गया अपना क्लोज ब्रेकेट, और यहाँ एन वन है पुनः तो हम लोग रखेंगे एन वन, और साथ ही साथ पुनः मान रखेंगे तो जब हम लोग यहाँ पुनः मान रख देते हैं किसका गामा का, तो गामा का मान है एम पी अपान माइनस आर, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है अपना यहाँ देखिए माइनस है, और अल्फा का मान इस बार कितना प्राप्त किए हैं तो एम पी अपान माइनस यू, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, चलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस एन टू एम पी अपान आर, और इस बार ये माइनस माइनस प्लस होगा एन टू एम पी अपान वी बराबर एन वन एम पी अपान आर, ये माइनस में और ये प्लस हो जाएगा एन वन एम पी अपान यू, ये हो गया। तब हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए इसको इधर हम लोग भेजेंगे, इस वाले को इधर भेजेंगे, इस वाले को इधर भेजेंगे, क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आर वाला हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, ये सबसे आगे कर देते हैं एन टू एम पी अपान वी, और इसको यहां भेजते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एन वन एम पी अपान यू इज इक्वल टू। अब ये देखिए जो यहां पर आर वाला है इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा एन टू एम पी अपान आर, और ये माइनस में है एन वन
एमपी अपान आर, इतना पहले से है। तो कुछ इस प्रकार से हमने किया, ध्यान दीजिएगा क्या क्या किया गया है यहाँ पर। एन टू एमपी अपान बी कौन सा है, एन टू एमपी अपान बी ये अपने स्थान पर है। हमने कौन सा इधर लाया, यू वाला, इस वाले को खींचकर हम लोगों ने इस तरफ भेजा और इस वाले को इस तरफ, इतना ही किया है। अब हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे, तो हमें कॉमन क्या मिलने वाला है यहाँ पर, देखिए एम पी दोनों में कॉमन मिल जाएगा और अपना बच कितना जाएगा, तो एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर, यहाँ पर यदि हम लोग एम पी कॉमन ले लेंगे तो अपना जो बचेगा वो इस प्रकार है, एन टू माइनस एन वन अपान आर, क्योंकि दोनों बराबर है। एम पी से एम पी कैंसल, एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन बाई आर, इतना आपको प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू और उसके बाद इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर, इतना आप सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एन वन से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, क्या करेंगे एन वन से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए पहले से कितना है एन टू बाई वी है, एन टू बाई वी भाग देना है एन वन से, तो यहां हम लोगों ने भाग दे दिया एन वन से। आगे क्या लगा है, माइनस लगा है एन वन अपान यू, पहले से लिखा है हमें भाग देना है किससे, तो हमें भाग देना है पुनः एन वन से, भाग कर दिए। अब लगाएंगे इज इक्वल टू, यहां पर है एन टू बाई करेंगे हम लोग क्या एन वन, और लगा है माइनस, पुनः लिखा है एन वन बाई करेंगे हम लोग किससे, एन वन से अपान आर। अब देखिए यहां क्या होगा, एन वन से एन वन कैंसल, एन वन से एन वन कैंसल, अपना बच रहा है एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू वी, एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू वी, और इस बार हम लोग यहां मान लेते हैं, माना एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू एन, तो एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू एन अपान वी माइनस ये हो जाएगा वन अपान यू इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन के स्थान पर क्या हो जाएगा एन, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस वन अपान, माइनस वन अपान आर, ये अपना फार्मूला प्राप्त हो गया। जो हमें फाइंड करना था वो यही है, इसे ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एन बाई वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस आर, एन माइनस वन अपान आर, ये अपना फार्मूला बन गया। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमें जो फार्मूला प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, कुछ इसी प्रकार से हमें ये फार्मूला प्राप्त हो गया है कि जो हमें फाइंड करना था वो फार्मूला यहां से हमने प्राप्त किया, एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू एन और माइनस यहां पर वन अपान यू माइनस एन माइनस वन अपान आर, एन माइनस वन अपान आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इस फार्मूले को प्राप्त करेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए एक बार हम पुनः इसको रिवाइज ही कर देते हैं आप लोगों। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या माना है, माना एम वन एम टू दर्पण यानी कि पृष्ठिका द्वारक है, ध्रुव पी है, सी वक्रता केंद्र है, ऊपर एक वस्तु रखी गई है, एक किरण को हम लोग भेजते हैं इस पृष्ठ पर जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। पृष्ठ के सामने हम लोगों ने माना विरल माध्यम और पृष्ठ के पीछे हमने क्या माना, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और एक किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से भेजते हैं जो अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। ये दोनों किरणें कहीं पर नहीं काटेंगी तो हम इन किरणों को अपने आप से मिलाएंगे।
जब अपने आप से किरणों को मिलाएंगे तो जहां पर ये किरणें काट देंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार से हमें अल्फा बीटा और गामा तीन कोण मान लेते हैं। कोण आई है आपतन कोण आर है अपवर्तन कोण। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग मानेंगे क्योंकि कि M1 और M2 बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारा बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण होंगे वो भी बहुत छोटे होंगे, साथ ही साथ अल्फा बीटा और गामा भी बहुत छोटे होंगे। हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज पहला वाला जिसका नाम है OMC। कौन कौन सा? तो यहाँ पर हमने लिया है ओ एम और सी में अल्फा और आई आर यहाँ पर गामा के बराबर होंगे। तो अल्फा प्लस आई बराबर गामा, हमें आई चाहिए इसलिए हमने इसको इधर भेज दिया। दूसरा त्रिभुज लेंगे आई एम और सी। कौन कौन सा? आई एम और सी में बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, आर चाहिए तो आर माइनस बीटा। स्नेल के नियम से 1N2 इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, और इस बार हम लोगों ने N2 अपान N1 इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, N2 अपान N1 इज इक्वल टू साइन आई, यानी कि साइन आई को आई मानेंगे, आर को आर, और आई अपान आर हो गया। अब हम लोग रखते हैं N2 अपान N1 आई के स्थान पर यहाँ से गामा माइनस अल्फा और आर के स्थान पर गामा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार अब पुनः हम लोगों ने अल्फा बीटा और गामा ज्ञात करना है, तो OMP त्रिभुज लेंगे। OMP में देखिए टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब है MP, आधार है OP, ON OP के बराबर है, इसलिए हम लोग OP मानते हैं, और O से P तक माइनस U है इसलिए माइनस U रखती है। IMP में क्या करेंगे? देखिए IMP में ज्ञात करेंगे टेन बीटा, तो लंब बटे आधार, लंब है MP और आधार है माइनस V, I से लेकर P तक की दूरी माइनस V। पुनः हम लोग त्रिभुज लेते हैं CMP में, CMP में टेन गामा बराबर MP बटे R, MP बटे ये C से लेकर P तक की दूरी R होती है। अब समीकरण नंबर 3 में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर यहाँ हम लोग गामा का मान रखेंगे, यहाँ पर बीटा का मान N1 और ये गामा का मान अल्फा का मान। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले को जहाँ है वहीं रख दिए, और जो यहाँ पर U वाला पार्ट है ये प्लस में है तो इसको हमने इधर लाया, माइनस में हो गया। ये वाला अपने स्थान पर पड़ा, इस वाले को माइनस में था तो इधर ले गए तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने MP कॉमन ले लिया, तो N2 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू MP, N2 माइनस N1 अपान R हो गया। MP से MP कैंसिल, ये बचा, दोनों पक्षों में हमने N से भाग किया N1 से, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ, और N2 अपान N1 को मान लिया N के बराबर है, तो N2 अपान N1, तो N अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू N2 अपान N1 यहाँ पर हो जाएगा, किसके बराबर? N माइनस N1 से N1 कटेगा तो 1 अपान R। ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया और यही हमें फाइंड करना था। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूले को। अब चलिए, यदि आप सब लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको कंटिन्यू मिलती रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले टॉपिक के साथ। आप लोग करेंगे उत्तल पृष्ठ के लिए, यदि नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। उत्तल पृष्ठ के लिए यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो इसी पर होगा, लेकिन आप सब लोग यदि कमेंट करके बताएंगे तभी। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए। बाय।